डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं। क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। आपको जैसा कि पता है, हम लोग क्लास टेंथ में अभी एनसीईआरटी बुक से निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग 7.1 के पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो दूरी सूत्र पर आधारित है। चलिए अब हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। वो एक्सरसाइज 7.2 है। अब 7.2 एक्सरसाइज में हम लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, जैसे कि हर एक एक्सरसाइज से पहले हम लोग कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, थ्योरी के तौर पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सीखते हैं, जानते हैं। वैसे ही दोस्तों, आपको हम अभी फिलहाल एक्सरसाइज 7.2 के लिए कुछ थ्योरी में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर नॉलेज, योर डूइंग क्वेश्चंस फॉर योर एक्सरसाइज। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया ये चीज होती है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल होता है। तो आज हम लोग 7.2 के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग सीखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु ठीक है। अब ये मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, जरा समझिए। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच। और एक होता है, जैसे अगर हम बोले कि 2 और 18 के बीच संख्या बताओ, या फिर 3 और 5 के बीच की संख्या बताओ। तो 3 और 5 के बीच अगर हम संख्या बोलेंगे तो आप 4 बताएंगे सिर्फ, जो कि गलत है, क्योंकि 3 और 5 के बीच हम लोगों ने सिर्फ आपके पास बीच बोला है, यानी कि आप 3.1 से लेकर 4.9 के बीच में भी कोई भी संख्या बता सकते हैं। लेकिन हम दोस्तों अगर बोलते हैं कि 3 और 5 के बीच, बीचों बीच संख्या बताइए, तब आपका राइट आंसर 4 होता। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब कि बीच और बीचों बीच में अंतर है। बीच में और बीचों बीच में बोलेंगे तो दोनों में अंतर पड़ जाता है, क्योंकि बीच में कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या आप बीच में का बता सकते हो। हम बोलेंगे कि 0 और 10 के बीच की संख्या बताओ, आप 1 भी बता सकते हो, फिर भी सही होगा। 2 भी बता सकते हो, फिर भी सही होगा। 4 भी बता सकते, फिर भी सही होगा। लेकिन हम बोले कि 0 और 10 के बीच में, 0 और 10 के बीचों बीच की संख्या बताओ, तब आपका केवल आंसर होगा 1, वो होगा 5। ठीक है, बीचों बीच। वैसे ही दोस्तों, मध्य का मतलब ही होता है बीचों बीच। मध्य का मतलब बीचों बीच। ठीक है, तो अब मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जरा सोचिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे होता है, जैसे मान लिया, इसमें हम लोग कुछ सीखेंगे बात, कि अगर 2 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, जैसे एक ये पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स है। ठीक है, अगर मान लिया कि ए एक निर्देशांक, एक का निर्देशांक x1, y1 है, बी का निर्देशांक आपका x2, y2 है। ठीक है, तब अगर बोलेगा कि इसके मध्य बिंदु, जैसे ए और बी के बीच में बीचों बीच है, बीचों बीच है, यानी कि मध्य बिंदु है, हमें यहां पे मध्य बिंदु पी है, और पी का निर्देशांक क्या होगा, सवाल बोल रहा है कि पी का निर्देशांक क्या होगा, सवाल समझिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य बिंदु अर्थात पी का निर्देशांक हमेशा कैसे लिखते हैं, तो इसका निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 और x2 को जोड़ दीजिए और बटा में 2 कर दीजिए, फिर कॉमा y1 और y2 को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा हम लोगों का बीच वाला का निर्देशांक, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो दोस्तों, हम यहां पे बताना ये चाह रहे हैं
कि कोई भी दू गो बिंदु दिया रहेगा, कोई भी दो बिंदु दिया रहेगा तो इसका दूरी तो हम लोग निकाल सकते हैं, पहले हम लोग सीख चुके हैं दूरी सूत्र का यूज करके। लेकिन दोस्तों अगर ये बोलेगा कि दो बिंदु दिया हुआ है और उसके बीच का आप बिंदु निकालो, बीच का निर्देशांक बताओ, तो आप क्या कौन सा फार्मूला लगाओगे, x1 - x2 / 2, y1 + y2 / 2, ठीक है। ये हम लोगों का फार्मूला होता है। जरा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो यहां पे हम लोग इधर एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लिया कि दो बिंदु है, एक का नाम P है एक का नाम Q है, और P बिंदु का निर्देशांक हमें दिया है 2, -4 और इसका दिया है दोस्तों -8, 6, ठीक है, -8, 6। तो दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु A का निर्देशांक हमको निकालना है, यहां वाला निकालना है, यहां वाला निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो जब A मध्य बिंदु होगा इसका मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर होगा, सिंपल वे में बात करें तो। तो जब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर होगा क्योंकि मध्य बिंदु है, तो हम ये बोल सकते हैं कि A का निर्देशांक, चूंकि ये मध्य बिंदु है तो फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 / 2, तो x1 कितना है 2 प्लस x2 है -8/2, y1 + y2, तो y1 कितना है -4 प्लस y2 कितना है 6/2 और दोनों तरफ ब्रैकेट, तो यहां पे 2 हो गया प्लस माइनस -8/2 -4 और 6 मिलकर कितना हुआ 2/2, तो यहां हुआ 2 में से 8 गया -6/2, 2 से 2 कट गया 1, तो यहां हो जाएगा -3 क्योंकि 2 से 3 बार में कट जाएगा, -1, यानी कि जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा दोस्तों वो कितना कितना होगा -3 और 1। तो ध्यान रखिएगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमेशा x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ठीक है, ये चीजें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और हम लोगों को सूत्र है, जरा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या है वो जरा देख लेते हैं। विभाजन सूत्र, तो दोस्तों विभाजन सूत्र क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो दिया रहेगा वो क्या दिया रहेगा, हम लोगों को दिया रहता है 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, यानी कि 2 बिंदु दी गई रहेंगी, 2 बिंदु दी गई रहती है। जैसे मान लिया कि कुछ इस तरीके से आपको 2 बिंदु दिया रहेगा, एक का और दूसरे का निर्देशांक पता रहेगा हमें, ए का निर्देशांक मान लिया जाए x1, y1 है और बी का निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, इसको मान लिया x2, y2, ठीक है। अब बोला गया कि उस लाइन को उस रेखा को कुछ अनुपात में बांटा जा रहा है, कुछ अनुपात में बांटा जा रहा है, तो जब कुछ अनुपात में बांटा जा रहा है इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया कि एक P बिंदु है जिसको AB को 2 अनुपात में बांट रहा है, एक M1 अनुपात है एक M2 अनुपात है। यानी कि दोस्तों हमें यहां पे क्या दिया रहेगा, फिर से बात समझिए, जैसे यहां पे विभाजन सूत्र कब लगाना है, जब 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा और उस बिंदु से एक जो रेखा बनेगा उस रेखा का विभाजन अनुपात में दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा
अनुपात में दिया रहेगा, तब हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे। यानी कि विभाजन सूत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब दिया गया सवाल में अनुपात का जिक्र हो। अगर अनुपात का जिक्र होगा तब हम लोग उसका इस्तेमाल विभाजन सूत्र के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कोई भी दो बिंदु दिया रहता है ए और बी, ए और बी, और इसके बीच का कोई बिंदु पी है, और इस पी के बारे में हमें सबसे पहले क्या पता हुआ रहता है, तो इसके बारे में हमें यही पता है कि ये जो रेखा है पी बिंदु जो है एम वन और एम टू अनुपात में बांट रहा है। तब जब एम वन और एम टू अनुपात में बांटे तो पी का निर्देशांक जो होगा यहां पे, पी का निर्देशांक यहां पे पूछता है कि पी का निर्देशांक क्या होगा, व्हाट। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब कि अगर दो बिंदु दिया रहेगा और कुछ अनुपात दिया हुआ रहेगा तब हम लोग पी का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो इसका फार्मूला होता है, देखो अच्छे से याद कर लेना, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटा एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटा एम वन प्लस एम टू। ये इतना बड़ा फार्मूला है। अब आपको जो है ये फार्मूला इतना बड़ा नहीं याद होगा, हम एक ट्रिक देते हैं। वो ट्रिक क्या है देखिए, सबसे पहले ट्रिक जो है काम कैसे करना है। सबसे पहले ऊपर में एम वन प्लस एम टू, नीचे में भी एम वन प्लस एम टू कॉमा, यहां भी एम वन प्लस एम टू और नीचे में भी एम वन प्लस एम टू। ध्यान दीजिएगा, हम लोग नीचे में हमेशा एम वन प्लस एम टू ही छोड़ देते हैं, नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। और हमेशा आप देखते हैं ना कि जो निर्देशांक लिखा जाता है पहले एक्स निर्देशांक लिखा जाता है तब ना वाई निर्देशांक लिखा जाता है। तो इसमें जो भरना है सिर्फ पहला वाला पार्ट में एक्स से भरेगा और दूसरे वाला पार्ट में वाई से भरेगा। ठीक है, अब इसमें एक्स से भरेगा तो एम वन है ना तो एक्स टू भरिए, एम टू है ना तो एक्स वन भरिए, यहां पे क्या है एम वन है तो इधर जितना भी चीजें भरेगी वो वाई से भरेगी क्योंकि बाद वाला वाई निर्देशांक होता है और पहले एक्स निर्देशांक होता है। तो यहां पे एम वन है तो यहां पे आप वाई टू भरिए, यहां पे एम टू है तो यहां पे आप वाई वन भरिए। तो कुछ इस तरीके से हमें फार्मूला होता है। और दोस्तों यह विभाजन सूत्र कहलाता है, यही विभाजन सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा कि हम इसको यूज कैसे करना है, इसका इस्तेमाल आखिर करेंगे कैसे, ये चीजें प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। तो नो डाउट्स हम अभी तुरंत बताने वाले हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए फिर से कि विभाजन सूत्र क्या होता है। जब कोई दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहता है इसके अलावा आपको एक अनुपात में उस रेखा को बांटना होता है कि दो अनुपात चार या पांच अनुपात छह चाहे कुछ अनुपात में उसको बांटना होता है। तो जो जिस अनुपात में अगर हम लोग बांटते हैं वही होता है हम लोगों का एम वन और एम टू का मान। और एम वन और एम टू पता चल जाएगा, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू पता ही है, तो हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और यही हम लोग को विभाजन सूत्र कहलाता है। तो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बट्टा में एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बट्टा में एम वन प्लस एम टू, यही कहलाता है विभाजन सूत्र। चलिए अब इस विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल पे क्वेश्चन करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए
सवाल कुछ ऐसा बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, सवाल पे फोकस कीजिएगा कि हमें सवाल कैसे बोल रहा है। बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-4 और 6-5 को 2:3 में विभक्त कर रही है, विभक्त कर रही है। देखिए इस तरीके का सवाल आपको आ सकता है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझना है। हम लोग जब कभी भी दोस्तों ध्यान दो, दो बिंदु दिया रहेगा और उसको कुछ अनुपात करके हमें सवाल बोलेगा, हमें सवाल अनुपात में बोलेगा, आप सीधा मतलब समझ जाना विभाजन सूत्र लगेगा। ठीक है, विभाजन सूत्र लगेगा। अब विभाजन सूत्र लगेगा तो अब लगाएंगे कैसे इसमें, वो चीजें प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कौन कौन सा बिंदु को बांट रहा है। भाई विभक्त करना का मतलब क्या होता है, विभक्त करने का मतलब बांटना होता है। तो हम लोगों को दो बिंदु है, कौन कौन से दो बिंदु है, तो एक हमें दिया है 2-4 सवाल में और एक दिया है यहां पे 6-5। अब इसको जो है एक ऐसा बीच में का बिंदु का निर्देशांक बताना है, इसके बीच का जो इसको 2:3 में विभक्त कर रहा है। यानी हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यही वाला पॉइंट निकालना है, बिंदु निकालना है जो इसको 2-3 में विभक्त कर रहा है, 2 में बांट रहा है और 3 में बांट रहा है। तो आप यहां से पकड़ो भाई, यहां से पकड़ो कि M1 जो अनुपात में जो सबसे पहले आए तो हो जाता है M1 का मान 2, यहां पे बाद में जो आता है M2 उसका वैल्यू 3 और X1 Y1 तो पहले होता है, तो X1 का वैल्यू हो गया 2 और Y1 का वैल्यू हो गया 4, फिर X2 का वैल्यू हो गया 6 और Y2 का वैल्यू हो गया -5। सबका वैल्यू लिख लिया, यानी अनुपात वाला जो चीज दिया रहता है उसमें सबसे पहले जो है वो होता है M1। अगर मान लिया ये रहता 3:2 तब हम इसको लिखते M1 = 3 और M2 = 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे M1 और M2 तो पता चल गया, फिर यहाँ X1 Y1 होता है क्योंकि एक बिंदु में दोनों निर्देशांक होते हैं, ये दोनों X कभी नहीं हो सकते हैं, ना दोनों कभी Y हो सकते हैं, ये X तो दूसरा Y, तो हम इसको X1 इसको X2 मान रहे हैं। तो X1 = यहां हो जाएगा, सॉरी इसको X1 इसको Y1 इसको X2 इसको Y2 सबका मान पुट कर लिए। अब हमें विभाजन सूत्र से चलेंगे तभी ना A का निर्देशांक निकलेगा, तो विभाजन सूत्र से, क्योंकि विभाजन सूत्र ही लगाएंगे जहां कहीं भी अनुपात देख लिया। तो विभाजन सूत्र से A का निर्देशांक क्यों, A का निर्देशांक क्योंकि ये इसके इसको 2:3 में बांट रहा है, तो A का निर्देशांक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हम फॉर्मूला के लिए ट्रिक सीखे हुए हैं। कौन सा ट्रिक भाई, यहां पे M1 + M2 और बट्टा में भी M1 + M2। ठीक है, फिर कॉमा दो, यहां पे भी लिखो M1 + M2 और बट्टा में लिख दो M1 + M2। लेकिन सबसे पहले जो भरता है वो किससे भरेगा, X से भरेगा, तो X में एगो X1 है और एगो X2 है, तो जब M1 रहेगा तो X2 लिखना है और M2 रहेगा तो X1 लिखना है। सेम वैसे ही जब इधर X आता है तो इधर Y आता है, तो यहाँ M1 है तो आप लिखिए Y2
और यहाँ M2 है तो आप लिखिए Y1। अब इतना चीज करने के बाद A का निर्देशांक हमें पता हो जाएगा, सबका वैल्यू को क्या कर देना है, रख देना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं यहां के बाद, तो क्या पता चलेगा, देख पा रहे होंगे M1 के जगह पे कितना है भाई, तो M1 के जगह पे देख पा रहे होंगे आप 2 है, M1 के जगह पे कितना है 2, तो यहां पे रख दो आप 2 इंटू इंटू है ना यहां पे X2, तो X2 कहां है यहां पे, X2 6 है तो 6 रख दिया, फिर प्लस प्लस M2, तो M2 कितना है 3, फिर इंटू X1, X1 कितना है X1 2 है, बटा M1 प्लस M2, तो M1 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 3 कॉमा, फिर M1 Y2, तो M1 कितना है 2, Y2 कितना है माइनस 5, तो माइनस 5 से गुणा करेंगे, फिर प्लस M2, M2 कितना है 3, फिर Y1, तो Y1 कितना है 4, बटा M1 प्लस M2, तो M1 कितना है 2, M2 कितना है 3, तो 2 प्लस 3, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, तो अब इसको सॉल्यूशन कर देना है, 2 को 6 से मल्टीपल किया 12 प्लस 3 को 2 से मल्टीपल किया 6, बटा में 2 और 3 को जोड़ दिया 5 कॉमा, 2 को माइनस 5 से गुना किया माइनस 10 प्लस 4 को 3 से गुना किया 12 बटा में 5, ठीक है। तो यहां पे जब आप देख पा रहे होंगे 12 और 6 18, 18 में कितना से डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहां हो जाएगा 18 बटा 5 कॉमा, यहां पे कितना हुआ तो माइनस 10 प्लस 12, तो 2 बटा में 5। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का A का निर्देशांक कितना आया दोस्तों, तो 18 बटा 5 और 2 बटा 5, ठीक है। इसको या तो हम इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 3.6 कॉमा 0.4, तो ये भी हम लोगों का आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो जब कभी भी दोस्तों, फिर से हम बता रहे हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 को बिंदु रहेगा, 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा और कुछ अनुपात दिया हुआ रहेगा, तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वो है विभाजन सूत्र। कौन है? विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके हम इसको यूज कर लेंगे। अच्छा अच्छा उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे क्या 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 वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक वर्ड है जो बोल सकता है कि सम द्विभाजित या सम त्रिभाजित, ये सब वर्ड मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। सम त्रिभाजित मिल सकता है, सम चतुर्थ घाते मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पहला नोट में करके एक चीज को सीखेंगे सम द्विभाजित के बारे में। पहला क्या है? सम द्विभाजित, सम द्विभाजित, सम द्विभाजित का मतलब होता है किसी रेखा को दो बराबर भाग में बांटना, किसी रेखा को दो बराबर भाग में बांटना, किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। ये तो समझ गए कि सम द्विभाजित का मतलब होता है किसी भी दो एक रेखा को दो बराबर बराबर भाग में बांट देना। जैसे मतलब कि एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है, इसको हमको सम द्विभाजित करना है। सम द्विभाजित का मतलब कि इसको बराबर बराबर भाग में बांट देना है। तो यहां हो गया हम लोगों का ए पॉइंट, जो इसको और इसको बराबर बराबर भाग में बांट रहे,
तो जब भी बराबर बराबर भाग में बांटेगा दोस्तों, तो बराबर बराबर का मतलब क्या, ये भी एक यूनिट, तो ये भी एक यूनिट, मतलब कि इस स्थिति में अनुपात एक का ले सकते हैं, ठीक है, एक अनुपात एक, तभी ना बराबर बराबर हुआ। अच्छा, दूसरा हम लोग आते हैं, दूसरा पॉइंट्स पे आते हैं, सम त्रिभाजित। अब सम त्रिभाजित का मतलब क्या समझना है, जैसे सम द्विभाजित होता है का मतलब एक रेखा को दो बराबर भाग में बांटता है, वैसे ही सम त्रिभाजित का मतलब हुआ किसी रेखा को, किसी रेखा को तीन बराबर भाग में बांटना, तीन बराबर भागों में, भाग में बांटना, ठीक है, किसी रेखा को तीन बराबर भाग में बांटना। जैसे मान लिया कि एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा को हम लोगों ने तीन बराबर भाग में बांटना है, इसका मतलब है कि तीन बराबर भाग में तभी बटेगा जब हमें दो बार चक्कू चलाना पड़ेगा, इसको करने से हम लोगों को तीन बराबर भाग में बटा, पहला तो नंबर ये, ठीक है, तीन बराबर भाग में बटा, और तीन बराबर भाग में बटा इसका मतलब तीनों कितना कितना भाग में, एक एक एक, ठीक है। अब जब तीन भाग में बट रहा है तो इसका नाम हम लोग बीच में दो बिंदु हो सकता है ए और बी। तो दोस्तों ऐसे कैटेगरीज में जब हम एक पॉइंट ए के लिए बात करें, ए के लिए, तो अनुपात कितना होगा, तो ए का जो अनुपात होगा इधर एक और इधर दो, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि ए जो बिंदु है, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, ये दोनों जो छोर है इसको हम लोग सम त्रिभाजित किए हैं, क्योंकि इस रेखा को बराबर बराबर तीन बराबर भाग में बांटे हैं, यानी एक एक एक, ठीक है, तीनों को बराबर बराबर मिल गया। लेकिन तीनों को बराबर बराबर मिलने का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे दो कट करना पड़ेगा, दो बार चाकू चलाना पड़ेगा, तभी ना तीन गो खंड निकलेगा। तो यहाँ पे दो बार चाकू चलाए हम लोग, एक ए पर और एक बी पर, तो हम लोगों का जो अनुपात मिलेगा वो दो सिचुएशन में मिलेगा, एक ए की वजह से और एक बी के वजह से, ठीक है। तो यहां पे ए के लिए हम लोग अनुपात क्या लिख सकते हैं, तो ए के लिए अनुपात सिर्फ और इधर वन आया, जबकि इधर वन और इधर वन, यानी कि ए का, ए के लिए सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो ए के लिए अनुपात हो गया एक अनुपात दो। ध्यान दीजिएगा, ए का एक तरफ एक है तो ए का उधर टोटल एक और एक दो हो गया। लेकिन दोस्तों यही अगर हम लोग बी के लिए बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बी के लिए बात करते हैं, तो बी का आगे हो जाता हम लोगों का ये वाला, एक और एक आगे वाला हो जाता दो अनुपात फिर हो जाता एक। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सम त्रिभाजित करते हैं तो दो सिचुएशन आ सकता है, दो अनुपात आ सकता है, एक ए बिंदु के लिए एक अनुपात दो और बी बिंदु के लिए दो अनुपात एक। तो ये हम लोग कुछ नोट्स में करके चीजों को लिख लिए थे और ये हम लोग के लिए भी काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो टोटल मिलाकर हम लोगों ने आज विभाजन सूत्र को देखा, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है इसको देखा। चलिए अब आइए आगे आते हैं, हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे अब करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, अब आराम से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को देखा जाए कि क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखा जाए, हमें क्या बोल रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7, 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। दोस्तों
ये जो विभाजित करने वाली जो चीजें होती है वो विभक्त करना और विभाजित करना दोनों एक ही होता है। तो ये एक एग्जाम्पल्स के तौर पे हम पहला क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आप पहला क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसमें हम कुछ हिंट्स नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये बनेगा विभाजन सूत्र पे। आप विभाजन सूत्र वाले फार्मूला देखिए, हम जो क्वेश्चंस बताए हुए हैं आप उसको जरूर देखिए। इसमें से आप जरूर चुनिए कि M1 कौन है, M2 कौन है, X1, Y1 कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बस विभाजित करता है उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। फिर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन है। तो दूसरा तीसरा टोटल इसमें क्वेश्चन का बात करें तो मात्र 10 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरा को छोड़ देते हैं फिलहाल, आप सिर्फ और सिर्फ एक नंबर को क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में समत्रिभाजित वाला जो आज हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन जस्ट मिल रहा है दूसरा क्वेश्चन में, तो दूसरा क्वेश्चन का हम सवाल अगले दिन बात करेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।